कोर्ट का फैसला इनके हित में ही आए, डिप्लोमा छात्रों के हित में ही आए और उन लोगों का सिलेक्शन लिया जाए जिनका सिलेक्शन नहीं लिया गया रिजल्ट होते हुए भी। उन्होंने एसटीईटी भी पास किया और बीपीएससी का एग्जाम भी पास किया। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ली गई। ये बहाली की प्रक्रिया जहां पर हर एक विषय में रिक्रूटमेंट शुरू हुआ। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की, एक ऐसे विषय की जो कि कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की है। अब यहां पर कंप्यूटर साइंस शिक्षकों का जो रिक्रूटमेंट टीआरई 1 में निकाला गया था उसमें आपको 11 से 12 यानी कि उच्च विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का रिक्रूटमेंट लिया गया। लेकिन यहां पर जो मामले कोर्ट में हैं वो नियमावली के विरुद्ध ही उनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो नियमावली है बिहार बीपीएससी शिक्षक नियमावली का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। इनफैक्ट बीएसईबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें क्या एलिजिबिलिटी थी कंप्यूटर साइंस शिक्षकों को लेकर वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। ये तीनों नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप जान सकेंगे कि कौन छात्र जो है एलिजिबल है और कौन छात्र एलिजिबल नहीं है और उनसे स्पष्टीकरण आखिर क्यों मांगा जा रहा है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। क्या ये बहाली की प्रक्रिया को जानबूझकर डिस्टर्ब किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, मामला तो माननीय कोर्ट के पास है और अभी फैसले आने बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन इन सभी चीज़ों पर सुनवाई भी होनी चाहिए और सही से यहाँ पर न्याय भी छात्रों को देना चाहिए। और खासकर मैं बात करूँगा डिप्लोमा वाले छात्रों की, जो कि थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। वैसे तो अगर आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ना शुरू करेंगे ना तो अलग अलग तरह के न्यूज़ अपडेट होकर आ रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर उन छात्रों को अगर देखा जाए तो मायूस किया जा रहा है जो डिप्लोमा करके यहाँ पर टीचर बने हुए हैं कंप्यूटर साइंस के। देखिए, मैं आपको कुछ न्यूज़ अपडेट दिखलाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको नियमावली में दिखलाऊंगा जो कि बीएसईबी या बीपीएससी या बीपीएससी का जो नियमावली 2023 का बना है वो तीनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों खबरों पे। तो ये खबर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे खबर में लिखा गया है कि डिप्लोमा पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की खोज हो रही है। क्यों खोज हो रही है इसको समझिएगा बस एक झलक में। यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर जो नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की खोज हो रही है, जिले के बहाल कंप्यूटर शिक्षकों में करीब 20% की बात की जा रही है। ऐसे डिप्लोमाधारी बहाल हो गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा, अब इसकी खोज हो रही है। कैसे है ये डिप्लोमाधारी भाई, समझते हैं चीज़ों को। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि समग्र शिक्षा के डीपीओ है ना, डीपीओ आप लोग का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं इसे चिन्हित करना शुरू कर दिए हैं और इन सभी कंप्यूटर शिक्षकों को चेतावनी देते हुए प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आदेश भी दिया है। मैंने आपको दो वीडियो पीछे भी बनाया था जिसमें कि चीज़ों को बताया था और आपको वो लेटर भी दिखलाया था, जो लेटर यहाँ पे ये दिया गया था। और ये लेटर आया था, इसमें मांगा गया था कि जो नियमावली है ना, जो नियम कहता है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए अथवा समक्ष उपाधि या फिर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ये एक नियमावली है, एक आपका एलिजिबिलिटी है। और इस एलिजिबिलिटी का जरिए जितना लोग सेलेक्ट हुआ है और जितना लोग को सेलेक्ट नहीं किया गया है उनका एक लिस्ट मांगा गया है, जहां पर डिप्लोमाधारी यानी कि डिप्लोमा अर्हताधारी अनुशंसित अभ्यर्थी की सूची, पदस्थापन की स्थिति और पदस्थापन न करने की स्थिति के कारण यहां पे आपको बताने। तो ये एक सूचना निकाली गई। लेकिन इस न्यूज में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द अपना प्रमाण पत्र जमा किया जाए। और डीपीओ ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की खोज शुरू हो गई है और इनके प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। कोर्ट का आदेश है कि केवल बीटेक की डिग्री ही कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का मान्य है। अब ये कोर्ट का आदेश है, ऐसा तो अभी अपडेट नहीं आया है ना, अभी तो इसका रिजल्ट आना है। ये मैं आपको थोड़ा एक नोटिफिकेशन दिखला रहा हूँ जो कि अपडेट आया है, मैं इसको आप लोगों को दिखलाना जो बहुत ज़रूरी है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हो सकता है कि इनकी नौकरी लगने के बाद इनकी नौकरी खतरे में हो सकती है। देखिए, ये जो अपडेट है ये पटना जिला से अपडेट आया था कि जिले के सभी टीआरई 1 के अंतर्गत नियुक्त कार्यरत कंप्यूटर विज्ञान के जो अध्यापक हैं 11 से 12 में सेलेक्टेड हैं है ना, उनके लिए कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मामला है CWJC 874/2024 का, जो कि 5 अप्रैल को इस पे पारित किया गया न्यायाधीश में, और इसमें ये बोला गया कि माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के माननीय उच्च न्यायालय पटना में प्रति शपथ पत्र दायर जो है याचिका यहाँ पे किया गया है, इसके बारे में जानकारी है, जिसमें कि टीआरई 1 के तहत नियुक्त कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक जो है 11 से 12 के निर्देश दिए जाते हैं कि वो 29 अप्रैल की संध्या 5 बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने कंप्यूटर शिक्षक संबंधी अर्हता यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड वो उसका वाटरमार्क प्रमाण पत्र, जैसे कि बीटेक, बी डिप्लोमा, एमसीए आदि जितना भी क्वालिफिकेशन दिया गया उसमें अचूक रूप से जमा करें और सुनिश्चित करेंगे। ससमय प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर यहाँ पर वेतन भी उनका स्थगित कर दिया जाएगा, ये एक अपडेट भी आया था बाद में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो ये सूचना फिर आया 15 मई को। अच्छा, 15 मई को ये सूचना देने के बाद 15 मई को कुछ और भी अपडेट आए हैं। अच्छा, टीआरई 1 के अंतर्गत कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक में कितने ऐसे शिक्षक हैं कंप्यूटर विज्ञान के, उनकी जानकारी देना है, अनुशंसा प्राप्त हुई है और जो डिप्लोमा उपाधि के आधार पर पद स्थापित किए गए हैं अथवा नहीं किए गए, जैसे जो किए हैं वो भी और जो नहीं भी किए हैं है ना, उनकी भी जानकारी यहाँ पे मांगी गई है।
ठीक है, ये एक अपडेट आया था। अब 15 तारीख को एक अपडेट और आता है जो कि यहाँ पर ये अपडेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, स्पष्टीकरण और बचाव अभी कथन समर्पित करने के। अब देखिए, नियामली के विरुद्ध जाकर आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये जो है मामला शिक्षा विभाग से है, ये कोई कोर्ट से नहीं बोला गया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये रोल नंबर है इस छात्र का और ये कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं इस स्कूल में, है ना, गोपालगंज का ये मामला है। इनको कहा गया कि यहाँ पर जैसे कि आपके प्रमाण पत्र सत्यापन और अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ है कि आपकी नियुक्ति इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पर की गई है। अच्छा, यहाँ पर बताइए कि जो डिप्लोमा होता है सर, जो भी माननीय है कोर्ट यहाँ पर, उनसे भी ये सवाल जरूर उठेगा वहाँ पर कि जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं क्या ये एलिजिबल नहीं है। क्योंकि मैं आपको अब नियामली यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा और आप छात्रों से भी कमेंट करके बताना चाहूँगा कि कीजिए यहाँ पर बताइए कि क्या डिप्लोमा यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इनका कहना है कि इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स की गई है एवं आपके पास ना तो स्नातक और ना ही स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र हैं, अतः ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी नियुक्ति और नियोजन विधि समत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं बीपीएससी विज्ञापन संख्या 2023 के अंतर्गत प्रकाशित आवेदन के लिए शर्तों के विरुद्ध विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल आवेदन के लिए आवेदन देने के लिए नियुक्त होने के आरोप में आपको सेवा मुक्त करते हुए अग्रत। ये जवाब मांगा गया है इनसे, इन छात्र से, कि आपको ऐसा क्यों नहीं किया जाए। तो देखिए, ये छात्र अगर जितने भी हैं डिप्लोमाधारी और जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपको क्या करना है कि आपको पहले अपना नियामली देखना है। ये देखिए, ये बीपीएससी की तरफ से नियामली जो है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि ये आपका नियामली में अगर क्वालिफिकेशन है तो आप योग्य हैं, ठीक है, जिसमें कि AICTE अप्रूव्ड आपका अगर कोर्स बी या बीटेक है कंप्यूटर साइंस आईटी में, अथवा समक्ष उपाधि है। अब समक्ष उपाधि यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी इक्विवेलेंट कोर्स हैं वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। या यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे ये बदल जा रहा है। देखिए, अथवा कहने का मतलब है इनका कि यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन अलग हो गया, समक्ष उपाधि है तो भी आप आवेदन करेंगे, अथवा यहाँ पर या फिर बोला गया है कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा जो होता है आपका 12th के बाद ही होता है, है ना। पॉलिटेक्निक का जो भी लोग कोर्स करते हैं या 10th के बाद करते हैं वो लोग एलिजिबल हैं, ये आपका नियामली कहता है। तो किस बिहाफ पे यहाँ पे है जो ये लेटर जारी कर दिया गया कि आपका इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा कोर्स किया गया है, तो इसमें गलती क्या है। डिप्लोमा भी 3 साल का होता है, ये इक्विवेलेंट है यहाँ पर कि आप ये टीचर बन सकते हैं और 11th 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये जब नियामली में आपका रखा गया है तो नियामली से तो अलग है नहीं। अब मैं आपको 2023 का जो है नियामली वो भी आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये 2023 का नियामली है, ठीक है, 29 मई 2023, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो भी आपका नोटिफिकेशन कहा गया है कि 50% अंकों के साथ पहले तो आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए 11th 12th के, अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनते हैं तो। ये किसके लिए बोला गया है, उनके लिए जो DOCCC ए लेवल का कोर्स किए हैं। अब देखिए, डिप्लोमा ये भी होता है, है ना। अब ये DOCCC ए लेवल का जो कोर्स किए हैं वो, और साथ में किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, ये एक आपका क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे यही लिखा गया है जो मैं आपको लगातार दिखला रहा हूँ कई दिनों से, कि AICTE से मान्यता प्राप्त आपका बी या बीटेक है, ये तो कंप्यूटर साइंस और IT वाले तो एलिजिबल हो ही गए यहाँ पे, है ना, जो बी बीटेक है, अथवा यानी कि अन्य इसके अलावा समक्ष उपाधि है तो भी आप आवेदन करेंगे, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने डिप्लोमा किया। तो ये आपका बीपीएससी का नियामली कहता है, शिक्षा विभाग जो नियामली जारी करता है ये वही नियामली के तहत आपका क्वालिफिकेशन, तो डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल है सर। फिर इनसे ये चीज़ें क्यों मांगी जा रही हैं कि आप इंटर के बाद डिप्लोमा किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, इसका स्पष्टीकरण दे। तो ये कहीं ना कहीं जाकर जो है ना उन छात्रों के साथ गलत हो रहा है जो कि छात्र यहाँ पे परेशान है और जिनका रिक्रूटमेंट हो चुका है डिप्लोमा के आधार पे और वो शिक्षक बन चुके हैं और वो कहीं ना कहीं कार्यरत है। तो ये लेटर जारी करने का जो है कोई औचित्य नहीं बनता और ये न्यूज़ जो है चलाने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो लेटर आया है इस लेटर का कोई औचित्य नहीं बनता है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे DPO जो है, यहाँ पे जो भी जिले का है, गोपालगंज का है शायद, है ना, इन DPO को समझना चाहिए कि एलिजिबिलिटी रखते हैं तभी ये सिलेक्टेड है, बाकी अन्य जिलों में भी तो छात्र सिलेक्टेड हैं और वो छात्र अपनी एलिजिबिलिटी जो दी गई है BPSC या BSEB का, आपने STET एग्जाम 2023 लिया उसका भी आपको मैंने नियामली दिखाया, उसमें भी आप लोगों का यही सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, BPSC का भी जब सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, तो आप क्यों इसको शामिल नहीं कर रहे हैं और स्पष्टीकरण क्यों मांग रहे हैं, ये पहले आप जवाब दीजिए। आप ये छात्र मतलब यहाँ पे जाते हैं DPO से, जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं तो DPO बोलता है कि BPSC को इस चीज़ का पता नहीं है, बताइए, या फिर BSEB को पता नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो की जो जरूरत है आयोग यहाँ पे मांग रहा है या कोर्ट यहाँ पे मांग रहा है, है ना, तो ये सब कुछ जमा होगा और जिसका नहीं हुआ है सिलेक्शन उनका सिलेक्शन हो, ये माननीय कोर्ट से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नियामली के अधीन ही यहाँ पर इन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, और जिसका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, उनको जिनको ज्वाइनिंग नहीं दे पाई गई है कई जिलों में कई छात्रों को, तो वो छात्र जो है अब मामला ये लेकर जो है केस संख्या 874/2024 को लेकर परेशान है
कि इनका सॉल्यूशन दिया जाए जल्द से जल्द। तो ये अभी सुनवाई हो रही है, इसका रिजल्ट जून के शायद मिड तक हो सके, 19 जून या 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा। और आशा करते हैं कि कोर्ट का फैसला इनके हित में ही आए, डिप्लोमा छात्रों के हित में ही आए और उन लोगों का सिलेक्शन लिया जाए जिनका सिलेक्शन नहीं लिया गया रिजल्ट होते हुए भी। उन्होंने STET भी पास किया और BPSC का एग्जाम भी पास किया, तो उनका सिलेक्शन आई थिंक मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। उनके ऊपर कार्रवाई हो जो छात्र यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाकर फेक डॉक्यूमेंट, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर DOCCC का जो है फेक डॉक्यूमेंट बनवा के लिया है, PGDCA का जो है यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लिया है, तो उन छात्रों पर कार्रवाई हो भले ही जो फेक तरीके से एंट्री की है, जिनका कि यहाँ पर पढ़ा भी नहीं है और सर्टिफिकेट बनवाकर यहाँ पर एंट्री मार गए हैं, उनको यहाँ से बाहर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ आपके सामने रखी है, आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।